Hello candidates and welcome to Government Crackers. So today I'll be telling my strategy for preparing current affairs in CDS examination. CDS examination jo hai, it is somewhat similar to prelims examination. Dheere dheere karke uska jo difficulty level hai, it is somewhat raised in the past few years agar aap compare karein. Pehle kya hota tha, pehle UPSC prelims jo hai, that were most of the difficult examination. Uske baad aapke jo aate the, wo aate the, you know, assistant commandant ke, yani CAPF ke examinations. उसके बाद संभवत सीडीएस का कहीं पे नंबर आता था. नहीं, राइट नाउ जो ट्रेंड हो गया है, जो पास्ट फ्यू ईयर के पेपर्स आ रहे हैं उनको देखते हुए ये बोला गया है कि प्रीलिम्स के बाद नाउ देयर आर ओनली टू कैटेगरीज जिसमें आपका सीएपीएफ एंड सीडीएस के एग्जामिनेशंस को बिल्कुल पैरेलल इक्वल बेसिस पे रखा गया है. यानी जो डिफिकल्टी लेवल है वो रेज हो चुका है. तो किस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, इन सब के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रैटेजी. करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले बात करते हैं साइंस सेक्शन के लिए. तो बायोलॉजी, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, इनके लिए मैं कहूँगी कि आप क्लास 6 to 12 अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट. क्योंकि यूजुअली सीडीएस के लिए मैंने देखा हुआ है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं और इतना ज़्यादा वो बुक्स फॉलो करते हैं, यूपीएससी की बुक्स फॉलो करने लगते हैं, विच इज़ सजेस्टेड फॉर प्रिलिम्स एंड मेन्स ऑल्सो. तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इतना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन, बिकॉज उसके अलावा और भी पेपर्स होते हैं, और भी सेक्शंस होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. तो आप इन सेक्शंस को क्वालिफाइंग बना सकते हैं, क्योंकि नो डाउट क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट आते हैं. अगर किसी को पसंद है तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपकी हैबिट में होगा. सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो मैंने जैसे बात की साइंस के लिए, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना मत छोड़िए. अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट आपके एग्जामिनेशन के लिए. पॉलिटी के लिए यूजुअली लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़िए. लक्ष्मीकांत डेफिनेटली इज़ अ गुड बुक जहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं. बट अगर किसी को लक्ष्मीकांत भी नहीं समझ में आती, तो मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 6 to 12 की पॉलिटी की बुक्स यानी सिविक्स की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए. इसी तरह अगर आप हिस्ट्री में भी 6 to 12 पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आप, मैं कहूँगी उसका सर्टेन दोबारा रिविजन के लिए जाइए. यूजुअली क्या होता है, हम एक बार पढ़ के चीज़ें छोड़ देते हैं और फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती और हम बोलते हैं कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वी मूव ऑन टू अदर बुक्स. रेदर देन मूविंग ऑन टू अदर बुक्स, माई पर्सनल सजेशन वुड बी कि अगर आप स्टिक करें उन्हीं 6 to 12 के बुक्स के लिए, और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी कवर अप करना रहेगा. तो पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए आप एटलीस्ट एनसीईआरटी को कवर करें. इतना अगर आप कवर करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा मैं कहूँगी, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए जो है वो बुक सजेस्ट की जाती है, चाहे आपका स्पेक्ट्रम हो गया या पॉलिटी हो गए, तो उतना ज़्यादा डेप्थ में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कवर ऑल दिस बुक्स. इतनी ईजी भी नहीं है जितनी ये लगती हैं. लैंग्वेज भी कंसर्न होता है, एक मेजर कंसर्न होता है. तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, यानी जो आपका करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपका स्टैटिक पोर्शन में से ले लिया जाता है, या स्टैटिक पोर्शन का कोई टॉपिक जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है. जैसे अगर मैं बोलूँ आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो 370 आर्टिकल 370 क्या था, उसके फीचर्स हो गए, 370 से पहले जो आर्टिकल एप्लीकेबल था, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स एप्लीकेबल थे उस पर्टिकुलर स्टेट की, आपकी हिस्ट्री के बारे में आ जाता है, उससे पहले कंडीशंस क्या थी, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो है कंडीशंस क्या हो गई. तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम हो जाते हैं कि गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आए, लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, डेमोक्रेसी में क्या चेंजेस आए. तो यहाँ से क्वेश्चंस को जो है पुटअप किया जाता है. कभी भी बहुत ज़्यादा डेट्स और यू नो नेम्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते अगर आप फोकस करेंगे. तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. साइंस में अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आपको फोकस करना है,
और करंट अफेयर्स नो डाउट इन डेप्थ आपको पढ़ना है तो यू कैन टेक एनी वन सोर्स जहां से आप सिर्फ अपना करंट अफेयर्स कवर करें। तो जैसे मैंने बोला, कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स आप चूज कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स नाउ जो डेली करंट अफेयर्स रिलीज करती हैं। जो भी सोर्स आप लें, अगर आप देखें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप उसको लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो इट इज़ वेल एंड गुड, आप उस सोर्स को लेके, और उसी सोर्स से मैं कहूँगी रिस्ट्रिक्ट होके, बिल्कुल रिफ्रेन होके उसी सोर्स से आप जो है अपनी पढ़ाई करें रेदर देन किसी और सोर्स पे जाने की। उससे क्या होगा, जब आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बिकॉज ऐसे एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट यू नो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को मोटिवेटेड रखना is one important factor which is required, otherwise we get demotivated, हमें समझ में नहीं आ रहा होता, we lose our hopes, तो उससे better option है कि आप अपने sources को बिल्कुल restrict रखें and definitely you'll get a short success। तो जैसे मैंने बोला, आप हर subject की NCERT को please focus करिए। NCERT इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि NCERT की language बहुत easy होती है और किसी को भी easily समझ में आ जाती है, चाहे आपको कोई भी concept समझना हो, कोई भी topic समझना हो, आप उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में पढ़ाई कर लीजिए। अगर डेफिनेटली इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको इन डेप्थ में जाना है तो यू कैन डेफिनेटली यूज इंटरनेट विच इज अवेलेबल, बट एनसीईआरटीज आर मस्ट। उसके बाद आप जो है अपने करंट अफेयर्स को प्रेफर करिए। करंट अफेयर्स में भी सबसे पहले डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसके बाद इकोनॉमी, देन पॉलिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्टैटिक पोर्शन में डिफेंस, स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और यही चीज़ आपको करंट अफेयर्स में भी करनी है। जैसे मैंने बोला, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और हर करंट अफेयर्स के टॉपिक को, लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड यू नो गेम्स हुए, कहाँ पे हुए, कैसे हुए, कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया, कौन कौन से स्पोर्ट्स उस टूर्नामेंट में हुए, विनर कौन था, लूजर कौन था, इंडिया की रैंकिंग क्या थी, फर्स्ट यू नो कंट्री कौन थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली फ्रेम होते हैं। इसी तरह डिफेंस डील हुई तो किसके बीच में डील हुई, व्हाट वाज द डील अबाउट, यू नो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन थी, किस प्रोडक्ट के बारे में डील हुई, कितना बजट था पूरी डील का, सामने वाले कंट्रीज के क्या बेनिफिट हैं, इंडिया के क्या बेनिफिट्स हैं, फिर उस कंट्री के साथ जो डील हुई है उससे पहले भी क्या उस कंट्री के साथ कोई डील्स हुई हैं, इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होते हैं करंट अफेयर्स में। तो मैं ये कहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए आपको पास्ट 6 months के करंट अफेयर्स इन डिटेल इन डेप्थ, नो डाउट करंट अफेयर्स इज वन सेक्शन जहाँ पे आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो करंट अफेयर्स आप पूरे यू नो दिन में और महीने में कवर करते हैं, आपको उसको प्रॉपरली रिवाइज भी करना होता है मंथली, यानी जब आपने एक महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है देन यू नीड टू गो फॉर द रिविजन कि इस पिछले महीने में क्या हुआ था। तो कंपाइलेशंस भी आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, और अगर नहीं मिलती हैं तो आप उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं सेम सोर्स से जाके। उससे क्या होगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं खत्म रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेफिनेटली इस तरह से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कि वो प्रीलिम्स की बुक फॉलो करते हैं। अगर आपका पोटेंशियल है, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं, बट अगर मैं बात करूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स की, या अगर आप 6 months पहले भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो आई थिंक देर इज नो यू नो यूज़ की आप प्रीलिम्स की बुक पढ़ते हैं और उसमें अपना टाइम डिवोट करते हैं। उससे ज़्यादा टाइम आप, मैं कहूँगी यू नो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करने के लिए उनमें अगर आप डिवोट करेंगे तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट आपके बारे में देना शुरू करेंगे। यानी सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप 3 महीने से 4 महीने में अपना कोर्स फिनिश करें और उसके बाद लास्ट के 2 months आप सिर्फ प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पेपर्स की, जीके कहीं से भी आपने उठा लिया, जीके की क्वेश्चंस उठा लिए सेट ऑफ, एंड उन 100 questions की आप बैठ के 2 घंटे में प्रॉपर प्रैक्टिस करें। सो दिस इज समथिंग विच कैन वर्क आउट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, एनी गाइडेंस फॉर द यू नो स्टडी मटीरियल ऑफ कंप्लीट सीरियस कोर्स, क्योंकि हमें हमेशा चाहिए होता है कि हम सीरियस के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, और हमारे पास ना टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए क्योंकि स्टडी मटेरियल कंपाइल करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो फॉर दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म www.governmentcrackers.com, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑल द गवर्नमेंट एंड डिफेंस कोर्सेज आर अवेलेबल ऑल्सो ओवर देयर एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल विद लॉट ऑफ एम्पल प्रैक्टिस मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड इफ यू फील लाइक यू कैन परचेज इट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल्सो अंडर दिस वीडियो यू कैन सजेस्ट द टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स विच यू वॉन्ट टू स्टडी, विच इन विच यू आर फीलिंग डिफिकल्टी, एंड वी कैन स्टार्ट अ
क्लास एज सून एज पॉसिबल. एंड आप लोग अपने टॉपिक्स बता दीजिए. हम सी डी एस 2021 की जो सी डी एस 1 एग्जामिनेशन है उसकी हम क्लासेस जो हैं वो एक टाइम पे प्लान करके वीकेंड स्टार्टेड, जहाँ पे एवरी डे विल मीट, विल डिस्कस पर्टिकुलर टॉपिक और इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे. ठीक है, सो वीकेंड स्टार्ट विद दिस. आप लोग अपने टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हैं एंड विद द मेजॉरिटी विल स्टार्ट द topics and classes as soon as possible. So I'll see you in the next session with my next video, where I'll be talking about the English section also and mathematics section also. Till then, Jai Hind and best of luck.